एक गांव में एक व्यक्ति के पास 19 घोड़े थे। एक दिन उसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वसीयत पढ़ी गई, जिसमें लिखा था कि मेरे 19 घोड़ों में से आधे मेरे बेटे को, 19 घोड़ों में से एक चौथाई मेरी बेटी को और 19 घोड़ों में से पांचवां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिए जाए। सब लोग चक्कर में पड़ गए कि ये बंटवारा कैसे हो। 19 घोड़ों का आधा अर्थात एक घोड़ा काटना पड़ेगा, फिर तो घोड़ा ही मर जाएगा। सब बड़ी उलझन में थे। फिर पड़ोसी के गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने घोड़े पर चढ़कर आया, समस्या सुनी, फिर बोला, इन 19 घोड़े में मेरा भी घोड़ा मिलाकर बांट दो। सबने सोचा कि एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत करके चला गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि उनमें मेरा भी घोड़ा मिलाकर बांट दो। फिर भी सबने सोचा, बात मान लेने में क्या हर्ज है। 19+1=20 हुए। 20 का आधा 10 बेटे को दे दिए। 20 का चौथाई 5 बेटी को दे दिए। 20 का पांचवां हिस्सा 4 नौकर को दे दिए। बच गया एक घोड़ा जो बुद्धिमान व्यक्ति का था, वो उसे लेकर अपने गांव लौट गया। इस प्रकार एक घोड़ा मिलाने से बाकी 19 घोड़ों का बंटवारा सुख शांति संतोष व आनंद से हो गया। निष्कर्ष, आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है और सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कुछ करने से पहले ज्ञान और बुद्धि जरूर लगाए, ताकि किसी दूसरे का सलाह देना ना पड़े।